अली माशाल्लाह हॉलीवुड में काम किया, बॉलीवुड में काम किया, यहाँ काम कर रहे हैं, मुझे तो सबसे पहले ये समझ नहीं आता कि आप मैनेज कैसे करते हैं, बिकॉज वर्किंग इन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड आफ्टर हेयर थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होता होगा जनाब। अब बाल कुछ कुछ वैसे भी पक गए हैं, सारा मेकअप नहीं है, तो ज़िंदगी का तजुर्बा एक्सपीरियंस आपको काफ़ी कुछ सिखा देता है। ट्रू, जहाँ आपकी रोज़ी रोटी लिखी हुई है, जहाँ अल्लाह ताला रिस्क देता है, वहाँ खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर एक जगह में काम करने के अपने तौर तरीके होते हैं, यहाँ पे अपने जो चैलेंजेस हैं अगर आप इनको मास्टर कर लें तो आप कहीं पे भी काम कर सकते। बहुत आसान लगता होगा यहाँ पाकिस्तान में काम करके बाहर जाके काम करना के यार। अब बाहर जाके काम करना नहीं, बाहर जाके तो तफरी करना ना, उसे काम ही नहीं कहते। बिल्कुल, यहाँ पे जिस किस्म की हमारी ट्रेनिंग हो जाती है, वो एक और कहावत है ना कि अगर आप कराची में गाड़ी चला लें तो दुनिया के किसी भी ममालिक में किसी भी शहर में गाड़ी चला पाते हैं। तो उसी तरह है भाई, मतलब काम काम अपनी जगह पे होता है। हम भी कोशिश करते हैं यहाँ पे कि हमारे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें बेहतर से बेहतर काम करना। बाहर शोशा ज़्यादा है, लग्जरी ज़्यादा है, प्रिपरेशन टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा है, घंटों के हिसाब से काम होता है, टाइम इज़ मनी बॉस, वहाँ लोग वक्त की कदर करते हैं, यहाँ पे हम थोड़े से चौड़े होके काम करते हैं, फ़र्क सिर्फ उतना है, काम तो अपनी जगह होता ही रहता है। हाँ, लेकिन फिर भी जिन हालात में सीरियसली, बिकॉज थोड़ा सा कुछ लोगों के साथ मैंने भी बाहर काम किया, सो मैं उनके आगे हाथ जोड़ देता था, मैं कह ना करया करो यार, वापस भी जाना होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ जाके पाकिस्तान में एडजस्ट करना, तुम लोग तो तबीयत ही खराब कर दोगे। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।